चेयरमैन साहब ने जैसा कह रखा था कि चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, आदिवासियों पर डिस्कशन हो या कश्मीर पर, जो माननीय सदस्य जिनका नाम आए तो सबने 2-4-3-5 मिनट बोला है, जिनका देखा नाम मैंने, तो संक्षेप में अपनी बात जितना कह सके। धन्यवाद उपसभापति जी। धन्यवाद। मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने 370 और 35 जैसे कानून खत्म करकर कश्मीर को इस देश की मुख्य धारा में शामिल करने का काम किया। और साथ ही साथ मैं वित्त मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने एक जो बजट है वो 1.1 लाख करोड़ का था, जिसे बढ़ाकर 1.42 लाख करोड़ करने का काम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए किया है। मुझे विश्वास है कि इससे जम्मू कश्मीर के विकास को एक नई गति देने का काम ये बजट करेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। इसलिए वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय उपसभापति जी, मुझे भी जम्मू कश्मीर का जब 370 हटाने का जब बिल आया था, उस समय मैंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया था और इस बिल के समर्थन में मैं उस समय राज्यसभा का इस्तीफा दिया था, क्योंकि मेरे मन में एक लंबे समय से, जिस परिवार से मैं आता हूं, जिस समाज से मैं आता हूं, और उसी समाज के हमारे परिवार के लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं, जो गुजर बकरवाल जो ट्राइबल है वहां, वो लोग अक्सर आते थे, मुझसे मिलते थे, और जो लाभ पूरे देश में जो संविधान ने ट्राइबल्स को, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो अधिकार भारत के संविधान में मिले हैं, इस 370 की वजह से वो अधिकार उन लोगों को नहीं मिल रहे थे। इसके बाद 370 खत्म करने के बाद आज मैं कह गर्व के साथ कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले देशभक्त गुजर बकरवाल जो ट्राइबल्स हैं, उनको पूरे देश में जो अधिकार ट्राइबल्स को हैं, वो अधिकार देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। उपसभापति जी, अभी बात आई कि हमारे सांसदों का एक दल वहां गया और उसको डिटेन कर लिया गया एयरपोर्ट पे, भाई मनोज जी ने शायद उसका जिक्र किया। मेरे मन में भी एक शंका थी, 370 हटने के बाद मैंने समर्थन किया था, मेरे मन में एक बात थी कि कहीं ना कहीं मुझे, अगर मैंने इसका समर्थन किया, जमीन पे भी जाके मुझे इसको देखना चाहिए। और मैं आज कहना चाहता हूं, मैंने वो निर्णय लिया लगभग सितंबर का समय था, 18 सितंबर शायद उस दिन मैं यहां से श्रीनगर गया, मैंने अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताई थी। मैं गया वहां से, मैंने कैब ली, टैक्सी ली, वहां के टैक्सी ड्राइवर से मैंने बात की, मैं जिस होटल में रुका उसमें सिंगल ऑक्यूपेंसी थी, कोई व्यक्ति वहां नहीं था, लेकिन उस समय मैंने वहां दो यूथ थे हमारे जो वहां नौकरी करते थे, जो बीबीए थे, होटल मैनेजमेंट जिसने किया था, उन लोगों से मैंने जब बात की तो मैंने उन्हें नहीं बताया था कि मैं सांसद हूं। मैंने पूछा, इस 370 हटने के बाद आपका क्या क्या विचार है, आप क्या सोचते हो? उनके मन में कई तरीके की शंकाएं थी, उनके मन में शंका थी कि उनकी जमीन हड़प ली जाएगी, बाहर के लोग आकर यहां कब्जा कर लेंगे, इस तरीके का भ्रम उनके मन में फैलाया गया था। बहुत लंबा डिस्कशन करने के बाद मैंने उनसे पूछा, आप चाहते क्या हो? उन्होंने कहा, हम चाहते हैं रोजगार, चाहते हैं हम एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, हमारी सबसे बड़ी जम्मू कश्मीर की कोई परेशानी है तो वो बेरोजगारी है, ये उन्होंने मुझसे कहा। मैंने कहा कि पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं, लंबे समय तक जिन्होंने इस प्रदेश में राज किया है, उनके बारे में आपकी क्या राय है? जो शब्द उन्होंने प्रयोग किए, मैं इस पार्लियामेंट के इस फ्लोर पर उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता हूं, यह राय वहां की पॉलिटिकल लोगों, पॉलिटिकल जो पार्टी जिन्होंने लंबे समय वहां राज किया है, वहां के यूथ की यह राय है, ये उस समय उन यूथ ने मुझे कहने का काम किया। उसके बाद मेरे मन में आया कि बाहर निकला जाए, एक बड़े सूफी वहां रहते हैं, सूफी संत हैं, मैंने निर्णय लिया कि मैं वहां जाऊं। उस समय डर था, भय था, मैं उन सूफी संत से मिलने गया। मैंने उनसे पूछा, कैसा महसूस करते हो? बोले, हम देश की रक्षा के लिए तैयार हैं, हम खुश हैं इससे। और उन्होंने कहा कि जाकर कहना अपने नेतृत्व से
कि इस देश के बॉर्डर पर रहने वाले गुजर बकरवाल जो परिवार है उनको सेना में भर्ती करें, पुलिस में भर्ती करें, वो देश की रक्षा करने के लिए तैयार है। यह भावना 370 के बाद मुझे देखने का मौका मिला। इसके बाद मैं बहुत ज्यादा लंबा, क्योंकि आपने बेल बजाई है, तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो लाभ, मैं एक विषय पर रहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि ट्राइबल्स को जो लाभ मिले हैं फॉरेस्ट एक्ट, उसका लाभ अगर मिला है तो 370 हटने के बाद मिला है। अगर वहां फैमिलीज को अगर बात लो इस बजट से क्या लाभ मिलेगा, 2 लाख यूथ है हमारे ट्राइबल्स, उनके लिए जो बजट और जो स्कॉलरशिप की सुविधा इस बजट के माध्यम से उनको लाभ मिलेगा, उनको रोजगार देने का काम मिलेगा, तो वो इस बजट के माध्यम से होगा। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीतियों के कारण वहां के यूथ को लाभ मिलेगा। अगर आज बेरोजगारी की बात हो रही है, 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज जम्मू कश्मीर में आएगा, उससे बेरोजगारी दूर होगी, ये काम करने का काम किया है तो इस देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। और मुझे उम्मीद है कि इन सब जो काम हमारे पिछले चार इसके 370 हटने के बाद हुए, उसके बाद जम्मू कश्मीर में अमन शांति और विकास का नया रास्ता खुलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।